हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे करीब करीब 3 से 4 शेयर के बारे में, तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने शेयर सिलेक्ट किया है जो बहुत ही हाईलाइटेड है, बहुत सारे रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये कंपनी रहेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ मिस गाइडेंस बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि कंपनी का शेयर गिर जाने के बाद वो वापस उसके लेवल पे वापस पहुंच जाएगा, इसलिए बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें बाइंग कर लेते हैं। तो फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका चार्ट देखोगे तो आप लोग समझ सकते हो। ये देखिए, करीब करीब ये 870 रुपीस का शेयर था, बहुत ही एक अच्छी कंपनी थी। और उसके बाद आप देख सकते हो ये शेयर बहुत ही नीचे डाउन आ चुका था, करीब करीब 182 पे। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि 182 पे अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो वापस से करीब करीब 500 तक जाएगा, तो हम लोग को बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद आप देख भी सकते हो एक उछाल कंपनी ने दिखाई यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये शेयर जा चुका था करीब करीब 380 to 350 तक। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया था, 180 का डबल, मतलब 360 डबल हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने तभी बोला था कि फ्रेंड्स इसमें मत पढ़ना। तो बहुत सारे आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो जेट एयरवेज से रिलेटेड, मैंने पहले इसे ही बोला था कि आपको इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर आप चेकआउट करोगे तो इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, कंपनी के पास कैश ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे, सर आप देख सकते हो मैंने 180 में खरीदा, अभी ये 360 आ चुका है, मेरा पैसा डबल हो गया है। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप ऐसा खेले हो इस मार्केट में तो ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी देखा जाए तो कुछ रहा ही नहीं है कंपनी में। तो मैंने उनको ये भी सलाह दी थी कि आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आज आप देख सकते हो कंपनी का शेयर करीब करीब 31% से भी ज़्यादा टूट चुका है फ्रेंड्स, और ये आ चुका है लेवल, देख सकते हो 165 के लेवल पे। मतलब अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे, ये देखिए ये जो लेवल था यहाँ पे कंपनी ने कमबैक किया था जो था अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद एक कंपनी में अच्छी खासी रैली आई थी, कुछ न्यूज़ आए थे कि कंपनी को हेल्प होने वाली है, जो कि वो न्यूज़ के प्रति आप देख सकते हो 350 तक ये शेयर ने जंप ली थी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि करीब करीब 6 महीना लगा कंपनी को वापस ये लेवल पे आने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट करके बता दिया था। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चलता है कि कोई सी कंपनी का शेयर पहले से ही इतना गिरने वाला है या फिर ख़त्म होने वाला है। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेलिंग वीडियो भी बनाया था, 20 मिनट का करीब करीब वीडियो था। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे कोई भी कंपनी का शेयर, एक कोई कंपनी खतरे में होती है तो पहले से हम लोगों को कैसे पता चले। मतलब आप देखोगे तो PC ज्वेलर्स की भी कंपनी 500 के ऊपर चलने वाला शेयर एक दिन में ऐसा नीचे खराब होके आ गया, तो उसके लिए भी कुछ टाइम होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, तो वो सारे मैंने बताए थे कि उस वीडियो में आप देख सकते हो। बात करते हैं अभी जेट एयरवेज से रिलेटेड, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ सामने आई है। आज भी एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ सामने है जिसके रिलेटेड आप देख सकते हो ये शेयर में इतनी बड़ा गिरावट है क्यों। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी के जो पायलट्स हैं उन लोगों को सैलरी नहीं दी थी, जनवरी से सैलरी नहीं दी थी, और अभी करीब करीब 92 जो पायलट्स हैं उन लोगों ने बोल दिया हम लोग अभी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि फ्लाइट के जो रेवेन्यू था उनके ऊपर तो जितना मतलब बचा हुआ खर्चा था वो चल रहा था, उन लोगों को जितना पैसा आ रहा था जेट एयरवेज के पास, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ना उनके पायलट जितने फ्लाइट चला रहे थे विदाउट सैलरी, मतलब आप समझ सकते हो, तो उन्होंने भी अभी मना कर दिया है। करीब करीब 92 पायलट्स उन्होंने बोल दिया अभी हम लोग नहीं ये करेंगे उड़ाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ करीब करीब 23,000 प्लस से ज़्यादा लोग अपनी जॉब, मतलब बोलते हैं ना, गंवाने के इसमें है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी नेगेटिविटी है इस कंपनी के शेयर में। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ऐसे कंपनी में हम लोगों को नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने खरीदा है। तो मैंने ऑलरेडी मेरी राय बता दी थी फ्रेंड्स, इस शेयर से दूरी रहना है, और अगर आपके पास है तो इसको एग्जिट ही करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था एज सच कोई इसका फ्यूचर है नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी थोड़ी डिटेलिंग में आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा कुछ दिखाने वाला है ही नहीं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था पूरा अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे प्रॉफिट क्वार्टरली, तो आप देख सकते हैं पूरा नेगेटिविटी है, पूरा नेगेटिव में है। और जैसे मैंने बोला था अगर ये पूरा नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम होता है यहाँ पे कंपनी कितना डिविडेंड देती है, बोनस देती है, वो सारी बातें आपको दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि खुद कंपनी के पास पैसा नहीं है तो वो शेयर होल्डर्स को कहाँ से देगी। तो अल्टीमेटली जाते वक्त मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिसके पास भी जेट एयरवे का शेयर्स है, मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एग्जिट कर लो, वैसे भी कुछ इस शेयर में बचा नहीं है। और इससे पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि किसी भी कंपनी का शेयर अगर अपने जो हाई पॉइंट बनाता है, हायर प्राइस जो अचीव कर देता है, ऑल टाइम लाइफ
टाइम हाई जो हाई रहता है वहाँ से अगर वो 80-85% इतना ज़्यादा गिरावट दिखाता है उस, तो उस शेयर में आपको होना नहीं चाहिए। तो कितनी भी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, न्यूज़ आए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूज़ एक टेम्पररी एक रैली क्रिएट कर लेती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, और जेट एयरवेज इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, तो आप समझ सकते हो ये बात। फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड शेयर मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है एनएससी की रैंक वन कंपनी, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ, देखिए फ्रेंड्स 42 रुपीज अप, और आज ये इसका प्राइस देख सकते हो 1386 या फिर बोल सकते 87। एक ज़माने पहले अगर आप कुछ महीने पहले अगर जाके देखोगे तो जेफरीज करके एक फर्म था, उन्होंने कहा था कि इसका टारगेट 880 तक आ जाएगा, और आज आप देख सकते कि ये उसका हाई अचीव किया है, और बाकी जो दिग्गज फर्म है आज इसका टारगेट 1500 तक दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री एनएससी की रैंक वन कंपनी के शेयर के ऊपर अगर कोई भरोसा नहीं रख सकता तो वो शेयर मार्केट में किस कंपनी के ऊपर भरोसा रखेगा। तो इसलिए मैंने हमेशा जब भी रिलायंस से रिलेटेड वीडियो बनाए हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपको कम से कम इसके शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और फिर आपको समझेगा इसकी पावर क्या है। जो जिस तरह से क्या आपको ये मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन दिखाता है वो बहुत ही गजब का होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होंगे कि ऐसी क्या न्यूज़ है, तो हम लोग अगर न्यूज़ चेकआउट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये न्यूज़ है, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री गेन 2%। वाई? बिकॉज वो अपना सेल करने वाले हैं स्टेक को इन अ 6 ग्रुप कंपनीज। सो एक बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, और उससे भी अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ मतलब इन आप सभी लोगों को पता है इनके अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बता दिए कि ये डेफिनेटली अपने एक्सपेक्टेशंस को भी क्रॉस करेगी। तो इसीलिए ये सारे न्यूज़ को कंबाइन करके एक बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है रिलायंस के शेयर में, और इसीलिए आपको ये ग्रोथ दिख रही है। सो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूँगा, जिनके भी पोर्टफोलियो में रिलायंस जैसा तगड़ा शेयर है तो उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, फ्रेंड्स इसको होल्ड कीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर जब इन्होंने 1200 का लेवल अचीव किया था जो इसका लाइफ टाइम हाई था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर क्यों ना प्रॉफिट बुक करें, तो आज उनको उस सवाल का जवाब मिला होगा। आप देख सकते हो मैंने कहा था कि ये शेयर करीब करीब 1500 का लेवल अचीव कर सकता है, तो आप देख सकते हो आज उसी मुकाम पे वो चल रहा है, और अभी जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो शायद से ये 1450 या फिर 1500 का लेवल भी अचीव कर सकता है। तो जस्ट यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इसको होल्ड करना, बहुत ही शानदार शेयर है। उसके बाद जो मैंने शेयर सिलेक्ट किया है वो आपके सामने है वक्रांगी। बहुत सारे लोगों से मुझे ये शेयर से रिलेटेड भी रिक्वेस्ट आई है, सर इसमें क्या करें, तो आप सब लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि वक्रांगी का पूरा भवितव्य अभी आने वाले रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो उस रिजल्ट में क्या होगा वो देखने लायक होगा। अगर हम लोग चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही हाई लेवल से ये भी शेयर टूट चुका था, करीब करीब 22 रुपीज का हो चुका था नवंबर 18 के करीब, और उसके बाद इनके रिजल्ट आए थे जो कि एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये रैली जाके करीब करीब 50 तक रुक चुकी थी, मतलब 20 से लेकर डायरेक्ट 50, तो 30% का मतलब 30 रुपीज का गेन हुआ था। तो अभी ये जो वक्रांगी में अभी आपने हाल ही में भी फिलहाल अगर कुछ अगर आप देखोगे, ये देखिए शेयर करीब करीब 50 के आसपास ट्रेड करता था, बट अभी ये करीब करीब 60 के आसपास घूम रहा है, एंड जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वक्रांगी से वाले रिजल्ट ये बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, और इसी के चलते इसमें एक रैली बनी हुई है, और अभी ये शेयर समझ में हो देखने का होगा कि क्या ये अपना एक्सपेक्टेशन जो प्रॉफिट है वो रिजल्ट वैसा देता है या नहीं। ये देखिए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं वक्रांगी से रिलेटेड आपके सामने कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये देखिए 82 लाख का प्रॉफिट था, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 98 करीब करीब 100 लाख का प्रॉफिट इसने दिखाया था जो कि एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, और उसके बाद भी उन्होंने 0.25 पर शेयर डिविडेंड दिया था जो कि बहुत ही कम था, पर फिर भी उन्होंने दिया था। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ थे, ये इसी वजह से ये बहुत सारे लोग अभी एक्सपर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसका 100 लाख अभी क्रॉस कर लेगा, और इसी के चलते वक्रांगी में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या ये एक्चुअल में अभी जो रिजल्ट आएंगे क्या वो पॉजिटिव आएंगे या नहीं, और उसके ऊपर ही इसका कम्प्लीटली भवितव्य डिपेंड है जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि अगर वो उसने मीट नहीं किया तो शायद से ये शेयर वापस 50 के रेंज में वापस नीचे आ सकता है, और अगर डेफिनेटली अगर उन्होंने रिजल्ट अच्छे दिखाए तो शॉर्ट टर्म में ये 75-80 तक जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट शेयर जिसके बारे में डिस्कशन में करने वाला हूँ वो है रेल विकास निगम। आप पता है आप लोगों को पता है ये बहुत ही एक पॉपुलर शेयर है बिकॉज ऑफ इसका प्राइस रेंज बहुत ही कम है, 26 रुपीज़ आज अगर आप देख सकते हो तो 0.65 करीब करीब 2.5% ये शेयर अप है। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप निफ्टी चेकआउट करोगे आज का निफ्टी, ये एक निफ्टी अगर देखोगे तो माइन्यूट था बट डाउन ही था,
और डाउन होने के बावजूद अगर आप चेकआउट करोगे कि ये शेयर में आज एक उछाल था, उछाल बोल सकते हो बिकॉज ऑफ 2.5% एक अच्छा उछाल माना जाता है, तो एक बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन ये शेयर जब निफ्टी के अपोजिट काम करना शुरू करेगा और तब ये अगर हरे निशान में अगर आपको रिटर्न्स देगा तो उस शेयर को डेफिनेटली आप अच्छा बोल सकते हो। तो आज अगर हम लोग देखोगे तो ये निफ्टी के अपोजिट जाके इसने थोड़ा सा अपना ये जो इम्पैक्ट है वो दिखाया हुआ है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी अगर इसने ऐसे इम्पैक्ट दिखाया तो ये बहुत ही एक अच्छा एक पॉपुलर अच्छा शेयर बन सकता है। मतलब सपोज अगर फ्यूचर में अगर बाजार अगर एक अच्छा रैली दिखाता है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली ये शेयर एक और एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के पॉसिबिलिटीज़ अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे होंगे कि सर क्या इस शेयर में निवेश करें और निवेश करना है तो कैसे, किस पैटर्न में आपको निवेश करना है, इससे रिलेटेड मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने कहा था अगर आप चाहो तो इस शेयर में खरीद सकते हो डेफिनेटली, बट आपका पैटर्न इन्वेस्टमेंट का कैसा होना चाहिए, मतलब आपका कैपिटल भी सेफ रहे और आपको रिटर्न भी अच्छे से मिले, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, अगर इस चैनल में अगर आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।